हे गाइस, दिस इज दिनेश सहगल फ्रॉम न्यूट्रामाइंस द हेल्थ क्लब। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल न्यूट्रामाइंस द हेल्थ क्लब में। आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है मास गेनर वर्सेस प्रोटीन, यानी मास गेनर वर्सेस प्रोटीन पाउडर। तो इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें, एंड तक देखें, अगर आपको मास गेनर प्रोटीन पाउडर के बारे में ट्रू इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। पहले मैं मास गेनर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देता हूँ। मास गेनर क्या है? मास गेनर एक ब्लेंड है। मींस ब्लेंड किसका? उसके अंदर प्रोटीन, कार्ब्स, शुगर, शुगर बहुत ज़्यादा है, और बाकी आपका कोको पाउडर फ्लेवर वगैरह एक्स्ट्रा। अगर आप, मैंने मैक्सिमम टाइम अभी तक यही देखा है, किसी भी जिम में जाओ, मेरे खुद के जिम है, मैंने ऑब्वियसली यही देखा हर जगह, एक ही मिथ है भैया, गेनिंग करनी है तो मैं गेनर कौन सा लूँ? व्हाट मैन, क्या गेनिंग करनी है? पहले सुनो तो सही, पढ़ो तो सही, उसमें है क्या, क्या है आपके लिए अच्छा है नहीं है? यहाँ 80 किलो का बंदा आके कहता है मैंने गेनिंग करनी है, मैं एक मास गेनर ले लूँ। अरे यार, ऑलरेडी तेरी बॉडी में इतना फैट है, तू उसका क्या करेगा, और गेनिंग करके क्या करेगा भाई तू? सिंपल, क्या गेनिंग प्रोटीन के बिना नहीं होती? कि क्वालिटी बल्क प्रोटीन, मतलब गेनर के बिना नहीं होता, प्रोटीन के साथ हम क्वालिटी बल्क नहीं हम कर सकते। हमें क्यों मास गेनर लें? आप 5 किलो का कट्टा या बकेट ले आते हैं अपने घर में मास गेनर की, आप अपने पैसे वेस्ट कर रहे हैं। अगर इतने ही पैसे वेस्ट करने हैं, इतने ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, तो सर आप प्लीज़ डोनेट कीजिए किसी को जिसको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। आई पर्सनली सजेस्ट यू, आप अपना पैसा, आपके फादर साहब इतनी मुश्किल से कमा रहे हैं, आप अर्न कर रहे हैं, ईजिली नहीं आप अर्न करते, तो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर मनी ऑन दीज काइंड्स ऑफ पागलपन। मास गेनर में खाली शुगर है, आप चीनी के पैसे दे रहे हो यार। आप 5,000-6,000 का मास गेनर ले आते हो सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसके ऊपर लिखा होता है मास गेनर। मैं मास गेन करूँगा भाई इसमें? भाई तो कुछ भी गेन नहीं करेगा। मास गेनर खाने से चर्बी कहाँ आएगी? इंडियन यूज़ कर लो तो मुंह फूल जाते हैं क्योंकि उसके अंदर डेक्सोना वगैरह टैबलेट्स मिक्स होती हैं, नकली होते हैं। अच्छी ब्रांड्स के लो तो उसके अंदर आप गेनिंग बहुत स्लो होती है, उसके अंदर प्रोटीन क्वांटिटी तो बहुत कम है। या मैं ये नहीं कह रहा वो बेकार होते हैं, इंडियन ब्रांड्स भी अच्छी होती हैं, बाहर की ब्रांड्स भी अच्छी होती हैं, तो हर कोई नहीं होती, तो उसके अंदर प्रोटीन क्वांटिटी है बट बहुत कम है, वेरी लेस अमाउंट ऑफ निन्नू सा। अब उस केस में आप क्या करोगे? आप यानी उसकी सर्विंग ले रहे हो, उसके पीछे साफ साफ लिखा होता है मास गेनर पे कि इट कंटेन्स ओनली 16 सर्विंग्स अप्रॉक्स। स्टार डाल देते तो उसकी भी कंडीशंस दे देते हैं नीचे, 2,000 कैलोरीज, 2,500 कैलोरीज। अगर आप एक्स्ट्रा डाइट नहीं लेंगे तो वो जो आप सर्विंग यूज़ कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, वो वेस्ट है। डाइट तो आपको चाहिए चाहिए। अगर आप ये सोचेंगे मास गेनर खा के ऐसा गेनिंग करूँगा, नहीं हो पाएगा। तो मास गेनर के अंदर क्या है? आपका शुगर सबसे ज़्यादा रहती है, कोको पाउडर है आपका, जो भी आप फ्लेवर ले रहे हैं उस वो है, आपका प्रोटीन उसमें बहुत कम है, बाकी कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह है। तो बंदे इसे एक्सरसाइज करके यूज़ करते हैं, एक्सरसाइज करा पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक में आप गेनर खा रहे हैं, दैट इज़ नॉट करेक्ट, दैट ठीक नहीं है। उस केस में क्या होगा आपका कि आप कार्ब्स इनटेक कर रहे हैं आपके वर्कआउट के बाद, बट उस टाइम आपको मसल रिकवरी चाहिए, तो आपकी मसल तो रिकवरी होगी नहीं कार्बोहाइड्रेट से, क्योंकि वो डाइजेस्ट ही बहुत स्लो होगा। हमें एक्सरसाइज के बाद चाहिए वो चीज़ें जो जल्दी डाइजेस्ट होती हैं, लाइक प्रोटीन, ठीक है? इसीलिए हम प्रोटीन एक्सरसाइज के बाद लेना प्रेफर करते हैं, क्योंकि हमें हमारी मसल की रिकवरी चाहिए, हम अपना मसल ख़राब नहीं करना चाहते। नहीं तो हमारे मसल रिकवर करेगा नहीं, और बॉडी में स्ट्रेच मार्क्स ही स्ट्रेच मार्क्स आते रहेंगे। जनरली आप लोगों के भी आ रखे होंगे, मेरे भी पहले थे, जो नए बिगनर्स आते हैं जिम में एक्सरसाइज करते हैं उनके भी आ जाते हैं। फिर वो कहते हैं सर स्ट्रेच मार्क्स कैसे हटेंगे, ये कैसे हटेंगे, क्योंकि आपकी गलती है, आप एक्सरसाइज के बाद नहीं कर रहे कुछ भी, आप इनटेक नहीं कर रहे, डाइट नहीं ले रहे। तो यही बोलूँगा कि जो मास गेनर्स हैं उसके अंदर शुगर के आप पैसे दे रहे हो, उसके ऊपर लिखा होता है पीछे अगर 16 सर्विंग्स पर कंटेनर, आप 5 किलो 16 सर्विंग में ख़त्म करोगे, मान लो आप 250 ग्राम की उसकी सर्विंग है, आप 250 ग्राम की उसकी सर्विंग ले रहे हो, उसके अंदर 50 ग्राम भी प्रोटीन है, अगर उस पर लिखा है, क्या पता है नहीं है, चलो मान लिया उसके 50 ग्राम प्रोटीन है, तो बाकी का 200 ग्राम कहाँ गया? उसके अंदर क्या मिला आपको? उसके अंदर मिला आपको कार्बोहाइड्रेट, शुगर, ज़्यादा शुगर होती है भाई उसमें, शुगर, और बाकी उसका फ्लेवर जो आप यूज़ कर रहे हो, तो अगर ये वेस्ट है।
तो ये एक्सरसाइज के बाद लेना, और गेनिंग अगर आप सोच रहे हो इससे होगी तो नहीं होगी, खाली चर्बी चढ़ेगी और कुछ भी नहीं होने वाला। अब हम बात करें प्रोटीन। प्रोटीन इज़ वेरी गुड सोर्स अगर आप रिकवरी करेंगे एक्सरसाइज के बाद। आप अगर सोचते हैं ना पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक लेने की, तो आप प्रोटीन यूज़ कीजिए। उससे क्या होगा, आपका मसल जल्दी रिकवर करेगा, प्लस मसल जल्दी रिकवर करेगा तो ऑब्वियस है कि साइज गेन होगा। बट यहाँ पर प्रोटीन आप यूज़ करके तो लीन मसल मास आप गेन करेंगे, ना कि फैट गेन करेंगे। आपकी बॉडी रिप्ड दिखेगी, अच्छी दिखेगी। जहाँ भी जाएंगे अपनी फिजीक एक मिरर में देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगी। गेनर में ऐसा कुछ नहीं होता, वो कुछ भी नहीं करेगा। तो बाकी आप इंडिया से बिलोंग करते हैं, आप इंडियन डाइट लेते हैं, उसके अंदर ऑब्वियस है इतनी कैलोरीज आप इंटेक कर रहे हैं डेली बेसिस में। हमें ये देखना है कि हमारी डाइट में किस चीज़ की कमी है। हमारी डाइट में प्रोटीन की कमी है, सो हमें प्रोटीन ऐड ऑन करना है, ना कि गेनर लेके आना अपने घर पे। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो उसके अंदर आपको ये करना पड़ेगा कि अपनी डाइट के साथ साथ आप अपनी डेली रूटीन के अंदर प्रोटीन ऐड कीजिए। आप प्रोटीन खरीदिए, एक्सरसाइज के बाद प्रोटीन यूज़ कीजिए, दिन में एक बार दो बार अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग। उससे आपके मसल भी गेन अप होंगे। अब प्रोटीन के अंदर सब प्रोटीन होगा, 100 to 150 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं बस, बाकी सारा प्रोटीन होगा। अगर ऑप्टिमम न्यूट्रिशन की बात करें, 24 to 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन होता है उसके अंदर, ऑन ऑन वे गोल्ड के अंदर जो भी है, 25 या 24 ग्राम का प्रोटीन है उसमें एक हीप स्कूप के अंदर। तो बाकी थोड़ा काब हो गया उसके अंदर, तो ये बेस्ट है। अगर आप 250 ग्राम गेनर ले रहे हैं, उसके अंदर आपको 250 ग्राम में से 50 ग्राम मिल रहा है, तो उससे बेस्ट है ना कि आप 2 चम्मच प्रोटीन के ले लो, उसके अंदर 50 ग्राम मिल गया आपको। सो इससे भी आपकी गेनिंग अच्छी होती है। इसके साथ इसको आप अपनी डाइट में ऐड ऑन कीजिए। बाकी आप प्रोटीन प्रेफर कीजिए, मैं यही आपको बोलूँगा, डोंट गो फॉर गेनर्स यार। अगर आपको गेनर ही चाहिए तो मैंने एक वीडियो बनाई थी हो पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक के ऊपर, उसके अंदर मैंने गेनर का ही बताया था किस तरीके से आप ऐड ऑन कर सकते हैं। बाकी अगर आपको गेनिंग करनी है तो आप प्रोटीन के अंदर थोड़ा ओट्स वगैरह मिक्स ऑन करें अपनी एक्सरसाइज के बाद, उसे लीजिए तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मुझे बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मेरी वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग माई चैनल।